नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमें कम रेटेड आरपीएम का ट्रैक्टर लेना चाहिए या ज्यादा रेटेड आरपीएम का ट्रैक्टर लेना चाहिए और इससे हमारा क्या फायदा है क्या नुकसान है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं रेटेड आरपीएम होता क्या है। तो किसान भाइयों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने का क्या मतलब जो आपको समझ में ना आए, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो आइए बात करते हैं हम रेटेड आरपीएम की कि रेटेड आरपीएम होता क्या है। मान लीजिए आपने एक ट्रैक्टर लाया 50 एचपी का, कोई भी कंपनी का, आप उसे चला रहे हैं 1000 आरपीएम पे यानी 10 के आरपीएम पे, तो क्या वह ट्रैक्टर 50 एचपी का काम कर रहा है? अगर वह 15 आरपीएम पे चल रहा है तो क्या वह ट्रैक्टर 50 एचपी का काम कर रहा? नहीं। तो जिस आरपीएम पे ट्रैक्टर अपनी पूरी ताकत या अपनी पूरी एचपी की ताकत लगा देता है उसे हम रेटेड आरपीएम बोलते हैं, इंजन रेटेड आरपीएम। किसान भाइयों, आपने अक्सर सुना होगा कि यह ट्रैक्टर 1800 रेटेड आरपीएम का है, 1900 आरपीएम का है, 2000 आरपीएम का है, 2100, 2150, ऐसे 2200 के भी आते हैं, 2400 के भी आते हैं, 2500, 2800 कई रेटेड आरपीएम के ट्रैक्टर आते हैं। तो आज हम बताएंगे रेटेड आरपीएम में क्या अंतर आता है अगर आपका ट्रैक्टर ज़्यादा रेटेड आरपीएम का है या कम रेटेड आरपीएम का है। तो वीडियो आप देखिए लास्ट तक, जरूर आपको अच्छे से समझाएंगे हम। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कम और ज़्यादा आरपीएम में क्या अंतर है। तो किसान भाइयों, हम दो ट्रैक्टर लेके आते हैं, एक 50 एचपी का है, दूसरा भी 50 एचपी का है। एक को ए लेकर जाएगा, एक को बी लेकर जाएगा। बी वाला ट्रैक्टर 2500 आरपीएम का है रेटेड आरपीएम का, और ए वाला 2000 आरपीएम का है। तो अब ए वाला और बी वाले दोनों खेत जुड़ने जाएंगे रोटावेटर से। तो ए वाला 1400 आरपीएम पे अपने ट्रैक्टर से खेत जोतेगा तो उसकी लगभग 35 एचपी ट्रैक्टर बन जाएगी पूरी। वहीं अगर बी वाला लेकर जाता है, वो 1400 आरपीएम पे अपना खेत जोतेगा तो उसके ट्रैक्टर की 28 एचपी होगी, 35 एचपी ना होगी, और उसे थोड़ा दिक्कत मालूम होगा, ट्रैक्टर की इंजन दबेगी तो वो आरपीएम मजबूरी है उसकी बढ़ाने पड़ेगी, 1700 आरपीएम पे वो ट्रैक्टर चलाएगा या 1600 आरपीएम पे, तब जाके इसके बराबर की परफॉर्मेंस वो निकाल पाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रैक्टर 50 एचपी के हैं, लेकिन एक उसी काम को 1400 आरपीएम पे कर रहा है, एक उसी काम को 1700 आरपीएम पे कर रहा है। तो आप साफ देख सकते हैं 300 रेटेड आरपीएम एक ट्रैक्टर कम घूम रहा है 2000 रेटेड आरपीएम वाला। तो आरपीएम मतलब होता है राउंड पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना चक्कर लगाता है इंजन। 1400 चक्कर लगा रहा है ए वाला और 1700 चक्कर लगा रहा है बी वाला। तो 300 चक्कर अगर आपका कम चल रहा है तो एक घंटे में आपको 18000 चक्कर आपका इंजन कम घूम रहा है। तो इंजन की घिसावट तो कम होगी किसान भाइयों, और आगे भी बहुत कुछ है, आइए आपको आगे भी बताते हैं हम। एक पॉइंट तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गई, 18000 बार आपका इंजन कम घूम रहा है एक घंटे में 1400 आरपीएम वाला। किसान भाइयों, दूसरा पॉइंट हम आपको बता दें, पहला ट्रैक्टर चल रहा है 1400 आरपीएम पे, दूसरा अगर चल रहा है 1700 आरपीएम पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई भी ट्रैक्टर हो, डिजिटल मीटर हो या सादा मीटर हो, कोई भी मीटर हो, यह 17 आरपीएम पे जब ट्रैक्टर चलती है तब घड़ी के बराबर से घंटा जोड़ता है ट्रैक्टर। नहीं तो अगर 1700 से नीचे आप ट्रैक्टर चलाएंगे तो घड़ी के बराबर नहीं जुटेगा, उसी के हिसाब से जुटेगा 1700 के हिसाब से। अगर इससे ऊपर चलाते हैं तो ये घड़ी से जल्दी ट्रैक्टर में अपने घंटा जोड़ लेता है। इसमें आपको एक फायदा मिलती है कि आपकी सर्विस टाइम कम होगी, जब इंजन कम चल रहा है, कम घिस रहा है, तो सर्विस टाइम आपको देर तक लगेगा क्योंकि काम वही उतना करेगा। अब 1400 वाला जो चल रहा है इसकी आरपीएम पे, तो इसे 250 घंटा करने में समय लगेगा, और जो 1700 वाला चल रहा है ये कुछ या 20 से ऊपर ही जाएगा, लगभग 3533 घंटा पहले ही 250 बना देगा। यहाँ आपको फायदा मिल जाता है सर्विस में। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ पे तीसरा फायदा ये देख सकते हैं, अगर हम इसमें ज़्यादा कोई फायदे की बात नहीं है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, अगर आप सेकंड हैंड में इस ट्रैक्टर को बेचते हैं तो आप इसे मान लीजिए 3000 घंटा चलाए हैं और 2500 रेटेड आरपीएम वाले को 3000 घंटे चलाए हैं, तो आपने इससे काम ज़्यादा किया है, इससे कम किया है। अगर यही काम 2000 वाला 2500 वाले से करते तो ये
छत्तीस सौ 3300 घंटे अब लग बना लेती, जबकि यह 3000 बनाई है। इसमें आपको एक फायदा मिल जाता है, क्योंकि कोई भी ट्रैक्टर आजकल लेता है तो घंटे भी देखता है, टायर वायर भी तो देखेगा, लेकिन घंटे भी देखेगा कितने घंटे चली है ट्रैक्टर। इसमें आपको 3 पॉइंट के फायदे देखने को मिलते हैं, और एक डाउट आप लोगों का होगा उसे भी क्लियर कर देते हैं हम, कि यह 1400 RPM पे चल रहा है और यह 1700 RPM पे चल रहा है, तो 1700 वाला डीजल ज़्यादा लेगा, 1400 वाला डीजल में कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा किसान भाइयों आपको, क्योंकि कोई भी ट्रैक्टर डीजल लेता है तो वह HP का लेता है, अपने HP का, कि कितने HP पे वो चल रहा है। जितने कम HP पे वो चलेगा उतना ही कम डीजल लेगा। हाँ, कुछ फर्क देखने को मिल जाएगा SFC से आपको, क्योंकि हर ट्रैक्टर की SFC अलग अलग होती है, 1 HP में कितना डीजल खाएगा यह SFC बताती है। यह सब देखकर आपको कम रेटेड RPM वाला ट्रैक्टर लेना चाहिए, यह तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन आपको एक काम के लिए अगर स्पेशल काम करते हैं तो ज्यादा रेटेड RPM वाला ट्रैक्टर लेना चाहिए। यूट्यूब पे से कोई नहीं बताता, हम बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ पर आपको ज्यादा रेटेड RPM का ट्रैक्टर लेना चाहिए, फायदा है इससे। तो इसमें हम मेन बात डीजल की बचत की तो हम कर नहीं रहे हैं, अलग से एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कहेंगे डीजल बचत हम कैसे करें। तो यहाँ पे आपको 2800 RPM का ट्रैक्टर या 2500 RPM का ट्रैक्टर लेना चाहिए अगर आप केवल टाली चलाना है, क्योंकि अगर आप एक ट्रैक्टर लेते हैं 1800 रेटेड RPM का या 2000 रेटेड RPM का, यहीं पे आप लेते हैं 2800 रेटेड RPM का ट्रैक्टर और यह 1800 रेटेड RPM का है, आपको 20 किलोमीटर अगर टाली लेकर जाना है तो 1500 रेटेड RPM पे आप जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके 1800 वाले से, और इससे 2000 रेटेड RPM पे लेकर जा रहे हैं आप ट्रैक्टर, तो 1500 वाला तेल ज़्यादा लेगा जबकि 2800 वाला तेल कम लेगा, और 2800 वाले की स्पीड भी ज़्यादा थोड़ी बहुत हो जाएगी, क्योंकि 2000 RPM पे चल रहा है, 500 RPM का अंतर है, और तेल भी कम लेगा क्योंकि ये HP से 800 RPM कम है और यह अपने HP से 300 RPM कम है। सेम HP का ट्रैक्टर हो तभी भी तेल कम लेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद किसान भाइयों। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।